राधे राधे। इतनी समाधियां हैं यहाँ, बाप रे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम है आपका कल्पना ब्लॉग में। मैं हूँ कल्पना। बड़ों को नमस्कार, छोटों को बहुत सारा प्यार। सात वालों के लिए 5-5। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप अपने घरों में स्वस्थ जबरदस्त मस्त होंगे। मैं भी सब मस्त हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वृंदावन से। और हमारा जो होटल है ये है बांके बिहारी जी के एकदम पास में। और अब हम जा रहे हैं कहाँ? आज तो हम बहुत सारी जगह आपको एक्सप्लोर करने वाले, दिखाने वाले। तो चलिए चलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, आपको भी दिखाते हैं कि आज हम कौन से मंदिर जाने वाले हैं। और आज का आउटफिट मेरा ये है, मेरी का आउटफिट ये है, आशु का आउटफिट ये है, शोभा का आउटफिट ये है। तो आज हम सबने साड़ियाँ पहनी है। दोस्तों हम आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए। इन दोनों सुंदरियों को देखो जरा, हाथ नीचे करना, स्मार्ट करना, ये देखिए, यहाँ दिखाना दोस्त शोभा। इतना मेकअप इसने अपनी शादी में भी नहीं किया था जी। मेरा ठीक है ना? तो आशु ऑर्डर कर रहा है, क्या क्या कर रहा है बेटा? इनको पूछो कौन सा पराठा खाना है भाई, आलू पराठा, पनीर पराठा, अपने बल देखो तुम करो तो फिर। अरे और आशु ने बाद में ऑर्डर कर, अभी स्पेशल लोग हैं ना, चाय मैं चाय नहीं पीता दोस्तों, मैं तो पीती हूँ चाय, तो बहुत जरूरी है। एक पनीर पराठा और तीन चाय। तो दोस्तों चाय आ चुकी है हमारी, चाय चाय। यहाँ सब टी लवर हैं, दीदी टी लवर है, सोबा टी लवर है, मैं भी टी लवर हूँ। पता क्या सोच रही है, सोबा को याद आ रही है, यहीं तो मैं मर गई हूँ क्या मैं यार। दोस्तों हमारा ऑर्डर, तो ये देखिए दोस्तों पराठे ऑर्डर आ चुका है हमारा। और ये देखना कितनी जल्दी दोनों टूट पड़े पराठे पे, दोनों के बस के नहीं है, दो दो खा पाएंगे। पर देखो ना, एक ही है पराठा, एक भी नहीं पाया। तो चलिए दोस्तों इन दोनों बुक्कड़ों को हम देखते हैं कैसे कैसे खाते हैं। हमारे भी चाय आ चुकी है। अच्छा भैया यहाँ पे जैसे अगर मतलब गाड़ी को साइड भी कराना है तो राधे राधे बोलते हैं सब, है ना? घंटी लगी आती थी, अच्छा उसको खोल लेते थे बाबा जी, अच्छा घंटी बजाना राधे राधे। ओ तब से ये मतलब राधे राधे, मेरी गाड़ी में हॉर्न 3 साल से, अच्छा अच्छा राधे राधे से। नहीं मैं कल से देख रही हूँ ना, सब यही बोल रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं निधि वन। अरे बोलो राधे राधे, दीदी राधे राधे, राधे राधे। चलो चप्पल हम यहाँ उतारेंगे। तो दोस्तों निधि वन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम। और ये हैं कान्हा जी की गोपियाँ। मैं निधि वन जाऊंगी, मैं यहीं बस जाऊंगी, मैं निधि, ये है माया। तो दोस्तों ये है सब निधि वन। मेरा बड़ा मन था यहाँ आने का, आखिरकार मैं निधि वन। तो ये निधि वन का जो पेड़ है ये बाहर आ रखा है और इसमें सब लोग नाव चढ़ा रहे हैं। चले हम फोटो खींचो ना, सो राधे 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 राधे। दोस्तों हाँ मैं अभी निधि वन में और यहाँ डर भी लग रहा है एक्चुअली, यहाँ बंदर बहुत है, वही बंदर फोन छीन के चला गया तो राधे राधे तो हो ही जाएगा हमारा। ले जानो बस ने ले जाए। राधे 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 राधे।
तो दोस्तों निधि वन में बाघ बंदरों का आतंक उतना ही है। आंटी जी का चश्मा ले लिया है और ये देखिए, दे भाई चश्मा पहनने की पूरी कोशिश। तो ये आप चश्मा देंगे नहीं देंगे हनुमान जी? दोस्तों ये समाधियाँ उन लोगों की है जो यहाँ निधि वन में रात को रुके थे, ये उन लोगों की समाधि है। आ जा आ जा। तो जितने लोग यहाँ रात को रुके हैं वो लोग जो राधा रानी जी के साथ चले गए, ये उनकी समाधियाँ है। प्रॉपर उनके नाम भी लिखे हुए हैं इसमें कि कौन कौन यहाँ रात को रुके थे और उन लोगों की समाधियाँ हैं जो राधा कृष्ण जी के साथ जा चुके हैं। और इतने लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से ये सब किया है। बंदरासुर, इतनी समाधियाँ हैं यहाँ, बाप रे। आप देख सकते हैं इतने लोग राधा कृष्ण जी के साथ जा चुके हैं। राधा रमण प्रवेश और पीछा अनुज कड़ा। तो दोस्तों हम ना अभी राधा रमण जी के मंदिर में गए थे और बाहर आए तो यहाँ ठीक बाहर आपको एक ये झोपड़ी टाइप की मिलेगी। हार्ट ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना लस्सी मिलेगी आपको। अब हम अभी टेस्ट करके बताएंगे कि लस्सी है कैसी, ठीक है? सिर्फ दो लोग टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि और ये दो दो पी नहीं रहे। मैं और दीदी पियेंगे देन बताएंगे आपको, ठीक है? तो दोस्तों हमारी लस्सी आ चुकी है जो राधा रमण जी के मंदिर के बाहर ही है। हमें बहुत यहाँ पे ना इतनी गर्मी नहीं है लेकिन धूप बहुत तेज है तो हमने सोचा लस्सी पी लेते। दो लोग लस्सी पी रहे और दो लोग नहीं पी रहे। मैं एक बार टेस्ट करती हूँ देन आपको बताती हूँ कैसी है। राधे राधे, बहुत टेस्टी है। अब बिल्कुल राधा रमन मंदिर के बाहर ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको लकड़ियों की झोपड़ी मिलेगी, है ना? एक मिनट है दीदी, आप दीदी लस्सी वाली दीदी, दुकान का नाम क्या है? नाम है कुछ राधा रमन नाम की शॉप पे आप आइए, पिए एकदम मस्त ठंडी लस्सी मिलेगी। लगा ही नहीं आ रहा क्या नाम है वो, हमारा ध्यान रखेंगे हम उनका। तो दोस्तों हम आए हैं यहाँ पे और हमने यहाँ से साड़ियाँ ली हैं और अभी दीदी देख रही है, स्कर्ट देख रही है, देख लो आशू बैठा हुआ है। हमने लिया से दो साड़ियाँ, एक वो है, एक भैया पैक कर रहे हैं। उसके बाद उसको पता नहीं क्या देख रही है, पोटली बोल रही थी देख ले, नहीं चाहिए ले लिया। ये नहीं लीजिए ना, टॉप लीजिए, जींस पहन देना, एक टॉप और तो भैया फाटी है लंबी से लेकर थोड़ी नहीं पर ये होगा लंबी वैसे कुछ। तो दोस्तों खाने के लिए हम जा रहे हैं होटल में और हमारे साथ दो लेडीज हैं जो दिस इज लेडीज, इन्होंने पल्ले निकाले हैं, इनके जरा पर्दा पड़ता का यकीन करती हैं। तो चलिए वीडियो देख लेगी ना तो फिर चेहरा नहीं दिखाना। किसने 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 उन्होंने बोला चेहरा मत दिखाना, बस किसने करके हमारे सासू माँ ने, सासू माँ ने चलिए इनकी सासू माँ ने बोला बल्कि बिल्कुल पर्दा प्रथा का पालन किया जाए, तो बाहर जाने दे रहे हैं बस चेहरा छुपा के रखना और ये स्लीवलेस ब्लाउज पहना दो, वो उसकी जरूरत है बस चेहरा छुपाना है और ब्लाउज स्लीवलेस पहन सकते हैं। वाह, स्कर्ट पहन सकते हैं लंबी वाली लेकिन चेहरा फिर भी छुपा होना चाहिए। वाह सासू माँ, आपको चरण कहाँ है आपके, है ना? वैसे आपकी बहुएं आप तो खैर अच्छी होंगी। अब हम दोस्तों खाना आ चुका है हमारा, ये देखिए राजमा चावल दही रायता फर्स्ट क्लास। चलिए खाते हैं, अब दीदी सर्व करेगी हमें बड़ी ठकुराइन।
मेरे तो दोस्तों मैं गौरी गोकल आश्रम में आ रखी थी, मजा आ गया। एक मिनट भीड़ देखो यहाँ, भीड़ साथ वालों के लिए 5-5। तो दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ जबरदस्त मस्त होंगे, लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत डामाडोल हो रखी है, आज सर दर्द हो रहा है, पता नहीं नींद पूरी नहीं हो रही है या ज़्यादा घूमने से पाँव में दर्द हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, पर जो भी हो रहा है वो खतरनाक ही हो रहा है। आज वृंदावन का लास्ट डे है, हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, इसके बाद जा रहे हैं मथुरा। तो अगर स्वास्थ्य ठीक रहा तो मथुरा घुमाएंगे, नहीं रहा तो आगे आप देख ही लेंगे। तो चलिए निकलते हैं, ये लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह ने साड़ी पहनी है, दीदी ने सूट पहना है, मैं भी साड़ी पहन रही थी पर स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण साड़ी का प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो गया है। ताला रहने दे, अपना अपना आते हो। तो दोस्तों हम यहाँ से निकल चुके हैं, चले भाई, और आशु भी आ रहे हैं, चलो चले हम वृंदावन की तरफ, चलो आशु कमान डाय आशु मथुरा की तरफ। अच्छी मैं दोबारा वृंदावन तो है, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वृंदावन से, अब हम जा रहे हैं मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि से पहले हमारी तबियत थोड़ा ऐसी लगती है, मुझे कुछ गिर गया है, ये देखिए दोस्तों इनके फेस वॉश वगैरह ये रास्ते में गिर पड़ रहे हैं। तो चलिए इसको उधर डालते हैं, तो आपसे मिलते हैं आगे। यहाँ मुझे अभी तो बहुत अच्छा लगा घूम के, मज़ा आ गया, लेकिन वही है कि आज थोड़ा सुबह से स्वास्थ्य मेरा राश कोई बात नहीं। हेलो दोस्तों, तो हम कृष्ण जन्मभूमि पहुंच चुके हैं और यहाँ का हाल देखिए, तो बाप रे यहाँ इतनी भीड़ है, इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ। और अभी मंदिर बंद है, थोड़ी देर में मंदिर जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ में कुछ दुकानें दिखी, तो हमारा काम क्या है, शॉपिंग, ये दोनों तो शुरू हो चुकी ख़रीदारी पे। मैंने सोचा मैं भी कुछ देखती हूँ, देखते कुछ पसंद आएगा तो ठीक है लेते हैं, आपको भी दिखाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। ये देखिए, ये है अपनी कृष्ण जन्मभूमि गेट नंबर 1। अभी मंदिर बंद है, अंदर फ़ोन अलाउड भी नहीं है, तो बाहर से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। और ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ का दृश्य, मार्केट, यहाँ गाड़ियाँ अंदर अलाउड नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, यहाँ ई रिक्शा गाड़ियाँ कुछ भी अलाउड नहीं है, पैदल वॉकिंग है, तो सबसे बढ़िया यही है, यहाँ के ट्रैफिक ना होने का नियम बहुत बेहतरीन। भीड़ इतनी है कि बता नहीं सकती मैं कितनी है। तो दोस्तों आते ही देखिए धोबी घाट शुरू हो चुका है हमारा, और दीदी ने कपड़े भी चेंज नहीं किए, सीधा मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। और हम लोगों को लग गई थी भूख, तो शोभा ने मैगी बनाई है, ये देखिए मैगी हमारी रेडी हो चुकी है, चाय भी रेडी है, और मैं और भी सामान लाई हूँ वो दिखाती हूँ। तो चलिए कुछ खाते हैं, देन प्रभु के दूध आते हैं।